हमारे यहाँ उधर तो बहुत ज़्यादा मतलब ये शौक चल रहा है, लेकिन जहाँ आपके शहर में इतना ज़्यादा नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद में बहुत कम लोगों ने रखे हुए घोड़े। वहाँ हमारा देहात है, जहाँ जगह का भी इशू है, वहाँ जगह का अलहमदिल्ला में इशू नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अच्छा शौक है, हर बंदा इसमें आए, बाकी इसमें बंदा फिजिकली मेंटली ठीक रहता है, बाकी ये पैगम्बरों की सवारी है, अच्छी सवारी है। घोड़े का जो रिस्क है वो कहाँ से आता है? वो अल्लाह पाक की तरफ से आता है, अल्लाह पाक की तरफ से। कहते हैं कि घोड़ा अपना रिस्क खुद कमाता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब, और आप देख रहे हैं टी4 तमाशा। इसमें मौजूद हूं F9 पार्क इस्लामाबाद में। नेज़ाबाजी का ऑल पाकिस्तान बहुत बड़ा इवेंट जारी है, और ये खुशनसीबी है इस्लामाबाद वालों की कि इतना बड़ा इवेंट इनको मिला है। बहुत सारे शाह सवार पूरे पाकिस्तान से हमें 600 से ज़ायद घोड़े यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आज भी इवेंट जारी है, कल भी जारी। डिटेल वीडियो आपके लिए ले रहे हूँ, तो बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो बने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑल पाकिस्तान इवेंट है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो 5 घोड़े लेकर आए और भावलपुर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, कैसे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद आके कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा है। पहले भी आते रहते हैं, हमारा राइडिंग क्लब है जी, एशिया टेंट पैकिंग क्लब भावलपुर से। तो आपके शाह सवार जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं या सिर्फ अपने इलाका ही? अभी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अच्छा, जी 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 बिल्कुल। अभी आपने बारी खेल ली अपनी? नहीं, हमारी अभी देर है थोड़ी सी, आखिरी नंबरों में हमारे। आखिरी नंबरों में है, तो क्या सजेस्ट करेंगे हमारी उस यूथ को जो इस तरफ नहीं आती और टाइम ज़ाया करते और मंशात और गलत कामों में? एक मैसेज भी अच्छा सा होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं यूथ को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि राइडिंग एक जवान मर्दों का खेल है, इसकी तरफ आपको आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ टैब्स पे बैठ के या घर पे बैठ के टाइम गुजारने से और दूसरी एक्टिविटीज़ से, ये एक दिलेराना शौक है और इसमें आपको ज़रूर आना चाहिए। तो भाई का तारुफ करवाएं जी। मौज़म कांजू साहब हैं जी, हमारे क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। इस्लामाबाद आते रहते हैं? हाँ जी, चक्कर लगता रहता है, लेकिन घोड़ों के लिए तो इस दफ़ा मतलब ये 2019 के बाद अब 3-4 साल बाद यहाँ पर आए हैं। 2019 में भी यहाँ पर F9 पार्क में ही हुआ था इवेंट, तो तब हम आए थे, उसके बाद फिर कोविड की वजह से लॉकडाउन और ये वो, तो उसके बाद 4 साल बाद अब हो रहा है, तो आज आए हुए हैं जी। देखें अब क्या बनता है, अल्लाह खैर करे। आपने भी दौड़ना है? हाँ जी इंशाल्लाह। क्या उम्मीद है? उम्मीद है डेफिनेटली, अब भावलपुर से इधर तक ट्रैवल कर गए हैं तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं लेके आए होंगे। वैसे एक बात है, बात होता है ना जिस तरह के, एक दफ़ा जो मिस हुआ उसकी अगली बारी नहीं है, तो जब मिस होता है क्या लगता है कि यार इतनी दूर से आए हैं, पहली बारी मिस हो गया है, क्या सिखाती है स्पोर्ट्स हमें? उस वक्त की जो मायूसी होती है ना, वो अल्फाज में तो बयान की नहीं जा सकती। बिल्कुल, अपने ऊपर ही होती है मायूसी डेफिनेटली, मतलब इतना ट्रैवल करके हैं, लेकिन बेसिकली जो टेंट पैकिंग है इट्स प्योरली अ गेम ऑफ लक। वो कहा जाता है ना कि जी किले नाल मुकदरें दे, तो अपनी तरफ से जब आपकी एफर्ट अच्छी हो, घोड़े के साथ आपका मैचिंग अच्छी हो, आप रन अच्छा ले लें, किला वाकई मुकद्दर का ही होता है। वाली से कितने घोड़े लगे हैं? 4। कैसा लग रहा है इस्लामाबाद आके इस मुकाबले में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मौसम है, इवेंट भी बहुत अच्छा करवा रहे हैं। आपने दौड़ना है? दौड़ ली अभी, नंबर आने वाला है, दौड़ना आने वाला। हार्ट बीट तेज है क्या है? ये भी तो मुतमिन है, ठीक है जी बिल्कुल। तो क्या लगता है इस शो को आगे बढ़ाना है आप लोगों ने या बस? हमारे यहाँ उधर तो बहुत ज़्यादा मतलब ये शौक चल रहा है, लेकिन जहाँ आपके शहर में इतना ज़्यादा नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद में बहुत कम लोगों ने रखे हुए घोड़े। वहाँ हमारा देहात है, जहाँ जगह का भी इशू है, वहाँ जगह का अलहमदिल्ला में इशू नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अच्छा शौक है, हर बंदा इसमें आए, बाकी इसमें बंदा फिजिकली मेंटली ठीक रहता है, बाकी ये पैगम्बरों की सवारी है, अच्छी सवारी है। घोड़े का जो रिस्क है वो कहाँ से आता है? वो अल्लाह पाक की तरफ से आता है, अल्लाह पाक की तरफ से। कहते हैं कि घोड़ा अपना रिस्क खुद कमाता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, बेशक। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, घोड़ा भी प्यारा लग रहा है, आप भी प्यारे लग रहे हैं, कहाँ से आए हैं? थैंक यू जी, हम सरगोधा तहसील सहीवाल से आए हैं जी। सरगोधा तहसील सहीवाल, कैसा लग रहा है इस्लामाबाद और इस इवेंट में आके? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा इंतज़ाम है और अच्छे घोड़े, अच्छे सवार, और यहाँ इस्लामाबाद के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है जी। कितने घोड़े लेकर आए? तो माशाल्लाह हम 8 घोड़े लेके आए हैं जी। कितने विन किए अभी? अभी दौड़ने का टाइम आया है। इन लोगों ने दौड़ना है, दुआ करें जी अच्छा दौड़ेंगे। थैंक यू सो मच। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। शाह सवारों के साथ मिलकर आज इनकी गुफ्तगू सुनकर, घोड़ों की चाल चलन देखकर आपको मजा आएगा। हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।